हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग को बता रहे हैं यूराइज पर रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। तो आपका रजिस्ट्रेशन करने के बारे में वीडियो हम बना रहे हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, उसमें दिया हुआ है कि यूराइज पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आईडी पासवर्ड आप लोग को मिला होगा या आपको व्हाट्सएप या आपके मैसेज मिल गया होगा जो मोबाइल से आप रजिस्ट्रेशन किए होंगे, तो उसमें आपका आईडी और पासवर्ड गया होगा। तो उसको लॉग इन करने के बाद और उसमें क्या क्या फिल किया जाता है, फोटो और एड्रेस सब कुछ जो भरा जाता है उसको भर लीजिएगा, क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो बना के डाला हुआ हूँ, उसको जाकर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आइए पहले हम आपको दिखाते हैं यूराइज कैसे किया जाता है, रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। लिखिएगा उस पर यूराइज, आप सर्च करिएगा यूराइज रजिस्ट्रेशन। ये जो भी पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं उन सबको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, सबको करना अनिवार्य है। देखिए फर्स्ट टाइम आ गया स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको मांगेगा जिकअप नंबर, जो आप लोग जिकअप नंबर जो इस एंट्रेंस का एग्ज़ाम जो बच्चे दिए हैं फर्स्ट ईयर के, उसमें आपका मांगेगा जिकअप नंबर। ये साइट खुल के आ रही है, थोड़ा नेटवर्क इशू है। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सेक्टर चॉइस करना, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए जिकअप एंट्रेंस नंबर, जो आपका होगा जो इस समय फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं वो 23 से शुरू होगा, उन लोग का मैं डाल दे रहा हूँ। जैसे किसी का मैं लिया हूँ, जैसे मान लीजिए 23 जीरो सौ 20 37 38, ठीक है, ये हमने डाल दिया। फिर उसके बाद आप मांगेगा डेट ऑफ बर्थ, मांगेगा उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप डाल दीजिएगा, जो भी बच्चे का होगा अपना अपना चेक करके। इससे डेट ऑफ बर्थ, इस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है यानी कि 12/8/2002 ठीक है, 12/8/2002, ठीक है। रजिस्ट्रेशन पे आप करिएगा, फिर आपका डिटेल खुल के आएगा, जो आपका नाम रहेगा, पिता का नाम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए सक्सेसफुल लिखा है, आपका सब डिटेल लिख कर आएगा, पिता का नाम रहेगा, आपका जो भी रहेगा उसमें आएगा। फिर इसको आपको मेल डालना है, जो भी आपका मेल होगा, जिस बच्चे का मैं अपना मेल डाल दे रहा हूँ, ठीक है, वो आप लोग अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। शर्मा जी 3 8 5 3 यहाँ सेलेक्ट हॉस्टल में सेलेक्ट करिएगा डेली स्कॉलर, ठीक है। फिर उसके बाद आइए नई स्कॉलरशिप में यस कर दीजिएगा। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर डालिएगा, मोबाइल नंबर वही डालिएगा जिस पे ओटीपी आपका जाता हो। मैं मोबाइल नंबर इसका बच्चे का डाल दे रहा हूँ, तिहत्तर जीरो 77 42 177, ठीक है। अब इस पर आप OTP पे सेंड करिएगा, इस पर OTP जाएगा, ये केवल 10 मिनट के लिए मान्य होगा। अब मैं बच्चे से OTP मांग रहा हूँ, उसको OTP यहाँ पे डालना होता है, यहाँ पे OTP जाएगा। सभी बच्चों को करना अनिवार्य है, अगर नहीं अगर बच्चे करते हैं तो उनका आगे प्रॉब्लम होगा। हेलो बाबू, OTP थोड़ा बताइएगा। हेलो हेलो, हाँ 212-871, ठीक 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 ओके।
तो यहाँ पे देखिए हो गया, इसको सबमिट करेंगे तो एक आपको आईडी और एक पासवर्ड देगा, वो पासवर्ड आपको रखना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो नेटवर्क इशू है। ये आपको पासवर्ड और आईडी रखना अनिवार्य होता है। मैं इसको खींच के अभी आप लोग को दिखाऊंगा। जैसे आप लोग के आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, उसको फिर आप लोग लॉगिन करिएगा। जैसे लॉगिन है ना, उसी के जस्ट लॉगिन देगा, आपको लॉगिन करना है। लॉगिन न्यू पे करिएगा, आपको आईडी पासवर्ड मिला होगा। तो आईडी पासवर्ड जो अभी आपके मोबाइल पे भी गया होगा मैसेज, तो बहुत से बच्चे यही करके छोड़ देते हैं। तो यहाँ छोड़ना नहीं है, फिर इसको लॉगिन करना है। रजिस्ट्रेशन किए, आईडी पासवर्ड मिला, तो बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं कि जैसे मुझे मिल गया और रजिस्ट्रेशन हो गया। नहीं, इसके बाद आप आईडी पासवर्ड डाल के ओपन करेंगे तो उसके बाद आपका वो आधार कार्ड से वेरीफाई भी करना होता है। जैसे मैं इस बच्चों का करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, फिर इसके बाद पासवर्ड डालना है आपको। पासवर्ड जो आपके मोबाइल पे गया होगा, उसको पासवर्ड आप वही डालिएगा, अन्यथा दूसरा नहीं लेगा। ठीक है, इसको डाल के आप ओपन करेंगे तो बच्चे का डिटेल खुल के आएगा। ठीक है, आपका प्रोफाइल जो है, आपका यूनिट नंबर पूछेगा, जो आपका यूनिट नंबर होगा उसको आप डालिएगा। ठीक है, देखिए आपका डिटेल खुल के आ गया यहाँ पे, भाई आपका मोबाइल नंबर जो भी रहेगा आप चेंजिंग कर सकते हैं इसमें। ठीक है, जैसे बच्चे आपका, जैसे मान लीजिए कॉलेज वाले नहीं गलत डेट ऑफ बर्थ डाल दिए हैं, तो आप यहाँ आप डाल के चेंजिंग कर सकते हैं। इस बच्चे का सही है इसलिए मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, अब बच्चों का क्या क्या मांग रहा है इसमें देखिए। आपका नाम, पिता का नाम सब दे दिया, जीमेल आपका दे दिया। इसमें आपको आधार वेरीफाई करना है। इस बच्चे का मैं आधार वेरीफाई इसमें डाल दे रहा हूँ। आधार नंबर जो है, फिर इसके बाद आइए, इसके बाद एड्रेस डालना है। पूरा डिटेल आपको भरना अनिवार्य होता है। पूरा डिटेल बढ़िया से डालिएगा, क्योंकि ये आपका जो टैबलेट योजना है उसमें भी आपका ये जरूरत पड़ता है रजिस्ट्रेशन। आपका पूरा एकदम डिटेल पूछेगा। देखिए आधार नंबर डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर हो गया, एड्रेस हो गया, एड्रेस भी आपको डालना है, तहसील हो गया, स्टेट आप किस स्टेट से हैं, जिस स्टेट से रहेंगे आप उसको अपना डाल दीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम यूपी के हैं, यूपी वाला डाल दे रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट जो जौन सा डिस्ट्रिक्ट होगा वो आप डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे। जैसे बच्चे का मऊ ज़िला है, आपका जो ज़िला होगा उसको आप डाल दीजिएगा। देखते रहिए, मऊ ज़िला हो गया। पिन कोड पूछेगा, पिन कोड डालना अनिवार्य होता है। देखिए पिन कोड 27 आपका, जिस जो आपका होगा पिन कोड पोस्ट ऑफिस वही आपका डालिएगा। ठीक है, बाकी सब देख लीजिए, ये सब डिटेल भरना अनिवार्य होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा, सबमिट पे क्लिक, ये बच्चे का कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस। अब इसको दिखा देगा ये अपना। ठीक है,
ये यूनिट नंबर मांग रहा है, जैसे आपका यूनिट नंबर कॉलेज से जब बोर्ड फार्म भरा होगा तो यूनिट नंबर आपको मिला होगा, तो यूनिट नंबर डाल के आप यहाँ सबमिट कर सकते हैं।